हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल रहे हैं सोनपुर मेला घूमने के लिए और अभी बज चुका है शाम के 5:30 में ट्रेन है, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी घर से। चलिए निकलते हैं, फुल एंजॉय करेंगे रास्ते में और देखते हैं मेला में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं और अभी रास्ते में हैं, बाइक से जा रहे हैं और स्टेशन के पीछे है महेश भैया का घर, तो वहाँ बाइक लगाने के बाद वहाँ से पैदल निकलेंगे। फिर ये भैया बीच में गाड़ी निकाल दिए, पूरी संकल होने के बावजूद भी रूल का पालन नहीं करते हैं। ये फ्रेंड्स पटना का कचरा का गाड़ी है, देख लीजिए कैसे खुलेआम रोड पे जा रहा है। इस पे कवर कर लेना चाहिए था बट कवर नहीं किया है, खुलेआम लेके जा रहा है। फाइनली हम लोग ट्रैक से बढ़ रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है फ्रेंड्स और समय ट्रेन का हो गया है। थक चुके हैं भाई लोग, बहुत ज़्यादा थक गए हैं दौड़ते दौड़ते, क्योंकि इधर से महेश के घर की तरफ से कोई टेम्पू भी नहीं था कि ऑटो ले लें, हम लोग पैदल दौड़ना पड़ रहा है। चलिए पहुँचते हैं, फिलहाल तो अभी दौड़ रहे हैं बहुत तेज। ट्रेन का कोई अभी शोर शराबा नहीं है। हम लोग फ्रेंड्स दौड़ रहे हैं अभी ट्रैक के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर, ताकि जल्दी पहुँच जाएँ। हम लोग फ्रेंड्स अभी फ्री फायर के कमांडो हो गए हैं, तेज में दौड़ रहे हैं ट्रैक के ऊपर। काफ़ी देर हो चुका है, बिना दौड़े तो पहुंच नहीं पाएंगे समय पर, काफ़ी थक चुके हैं जिंदगी में पहली बार फ्रेंड्स। महेश इतना दौड़े हैं हम लोग और ये देखिए काफ़ी लेट हो चुका है हम लोग को, बस 5 मिनट बचा हुआ है ट्रेन पकड़ने के लिए, इसीलिए हम लोग अभी पूरा रनिंग में है, काफ़ी थक चुके भी हैं। अब देखिए ट्रेन पकड़ाता है या नहीं आगे वीडियो में आपको। उसी के लिए हम लोग अभी बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, बाकी वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और अभी देखिए ट्रेन तो अभी इधर से नहीं आया है। हॉर्न दे दी, देखो पीला लाइट, देखो वहाँ से फिलहाल फोन का कर रहा है कि सिग्नल मिल चुका है और हम लोग पहुंच चुके भी हैं स्टेशन पे। काफ़ी थक गए हैं फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दीघा हॉल्ट पे, काफ़ी थक गए हैं। महेश भी अभी देखिए काफ़ी थक गए हैं, पसीना से पूरा भींज गए हैं। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं, ट्रेन का इंतजार है और आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक की ओर। ट्रेन अभी आई नहीं बट हम लोग, ट्रेन थोड़ा लेट है 10 मिनट, अच्छा हुआ फ्रेंड्स कि लेट हो गया, नहीं तो हम लोग शायद छूट जाते ट्रेन से। फिलहाल स्टेशन पे काफ़ी भीड़ भी है हॉल्ट पे, चलिए देखते हैं ट्रेन कब आता है। और हम लोग अब चल रहे हैं ट्रेन के अंदर, फिलहाल हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, देखिए सारे फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं, ये सुनील है। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं सोनपुर जंक्शन की तरफ, ट्रेन भी खुल चुका है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनपुर जंक्शन पे और निकल रहे हैं हम प्लेटफॉर्म से बाहर। 296 फिलहाल बढ़ रहे हैं, आ चुके हैं सोनपुर मेला, अब स्टेशन पे है। सॉरी, ये देखिए जनता का भीड़, काफी भीड़ हो चुका है और हम लोग भी बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स चलते हैं मेला में अब। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग उतर रहे हैं अब, तो प्लेटफॉर्म से अब हम लोग उतर चुके हैं और हम लोग आ गए टेम्पो स्टैंड और आ गए इधर, टेम्पो स्टैंड है देखिए पूरा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेला का एंट्री गेट है, स्टेशन से ही गेट बना हुआ है। वहाँ
स्टेशन के बाद यहाँ पे एक और एंट्री गेट बनाया गया है, देखिए हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला लिखा हुआ है। अभिनंदन गेट बनाया गया है, यहाँ पे भी एक भव्य गेट बनाया है। के बाद अभी मेला में हम लोग इन कर रहे हैं। वीडियो के कारण ही फ्रेंड्स हम लोग ऑटो नहीं लिए हैं, कि ऑटो ले लेंगे तो फिर वीडियो क्रिएट करने में नहीं बनेगी, इसलिए ऑटो नहीं लिए हैं, पैदल ही बढ़ रहे हैं मेला की ओर। और वैसे भी फ्रेंड्स के साथ में पैदल ही चलने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घोड़ा बाजार में, देखिए काफ़ी सारा घोड़ा यहाँ पे बिक रहा है। ये देखिए इधर पूरा घोड़ा है, इधर सारे सिर्फ घोड़े ही हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ कई प्रकार के तरह तरह के घोड़े आए हुए हैं, कई वैरायटी के कई नस्ल के घोड़े आए हुए हैं, जिसका अमाउंट काफी हाई रखा गया। तो फ्रेंड्स इधर लिट्टी चोखा वगैरह सब बिक रहा है। ये होटल है, रात में खाना वाना खाने के लिए बेस्ट होटल है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से होटल वगैरह खाना पीना सारे का शुरुआत हो चुका है। और ये देखिए आसमान में एक गुब्बारा के जैसा फिक्स किया गया है, जिसे देखने में अच्छा लगे। ये फ्रेंड्स इधर बकरी बाजार है, काफी तरह तरह के यहाँ बकरी भी है। ये इधर गाय बाजार है, अभी गाय की संख्या थोड़ा कम है मेला में। वो भी हो सकता है कि फ्रेंड्स हम लोग रात में आए, इस वजह से गाय थोड़ा कम है। इधर फ्रेंड्स पार्किंग की सुविधा दी गई है, ये बाइक कार पार्किंग है वगैरह सब इधर ही है। और यहाँ पे काफी जाम लग चुका है। ये देखिए इधर ट्रैक्टर वगैरह बिक रहा है, तरह तरह के ट्रैक्टर है और हैवी ट्रैक्टर है। ये स्कूटी सेल लगा हुआ है इधर, जो है ये बाइक सारा इलेक्ट्रिक बाइक है फ्रेंड्स। और यहाँ से होता है अजूबा डिज्नीलैंड मेला स्टार। फ्रेंड्स हम लोग इन कर गए डिज्नीलैंड मेला में, देखते हैं घूमते हैं। इधर सारा ठेला वगैरह लगा हुआ है चाट गोलगप्पा का। ये देखियो भाइयों, ये खिलौना का दुकान है, लॉकेट वगैरह। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2 साल बाद मेला आज लगा, लॉकडाउन के वजह से मेला नहीं लग पा रहा था। लॉकडाउन की वजह से मेला नहीं लग पा रहा था, ये मेला 2 साल बाद बहुत ही भव्य तरह से लगा हुआ है। 2 साल होने के कारण काफी भीड़ भी है मेला में। झूला कर रहे हैं सुनील तू? अरे इधर निशाना वाला है, बंदूक से निशाना लगाने वाला, और ये रेल वाला झूला है। और काफी भव्य सजावट किया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत भी लग रहा है। इधर चाय कॉफी वगैरह बिक रहा है। इधर शर्ट वगैरह बिक रहा है। ये इधर पूरा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है प्रशासन वगैरह को ठहरने के लिए। ये बहुत वैरायटी के अचार बिक रहे हैं फ्रेंड्स, काफी तरह के अचार यहाँ पे हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये ट्रेन फ्रेंड्स आ गया है, उसी का आवाज़ आप लोगों को काफ़ी सुनाई दे रहा होगा। देखिए ये ऊपर से ट्रेन पार कर रही है। फ्रेंड्स बिहार क्षेत्र सोनपुर मेला, चलो घुसते हैं। मेला में भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है फ्रेंड्स शाम के समय के कारण। इसमें लेजर शो चलाया गया जो देखने में काफ़ी भव्य और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये काफी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स देखने में भी। लाइटिंग की डेकोरेशन देखिए, काफी पर्दा पे कैसे डिजाइनिंग किया गया है। इधर फ्रेंड्स बालू पे काफी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग किया गया है। देखते हैं क्या चीज का डिजाइनिंग है। सोनपुर मेला में आपका स्वागत है। ये देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। बालू से पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है, गंगा बालू से पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है और देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है। काम चल रहा है, देखिए काफी लोग देख भी रहे हैं, तो हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लिखा गया है हरियर छत्तर मेला 2022 लिखा हुआ है। हरियर छत्र मेला 2022। इधर फ्रेंड्स पूरा होटल का व्यवस्था किया गया है, खाने का टोटल उत्तम प्रबंध है इधर। और हम लोग बाकी सामने मेला में आगे की ओर बढ़ते हैं।
ट्रेन से स्टिकर है, मस्त मिल रहा है, स्टिकर वाला लेंगे आगे से ले। गजरा लेगा इधर फ्रेंड्स, तरह तरह के यहाँ चार बिक रहे हैं, इसमें गैजेट है, खिलौना वगैरह। इधर टोटल गर्ल्स इक्विपमेंट है, पसंद करो तुम लोग। आईना के माल हो बवाल हो। इधर फ्रेंड्स स्वेटर वगैरह बिक रहा है, देखिए भाई लोग स्वेटर भी ले रहे हैं, और ये काफी भीड़ हो चुका है। सामान है सिंगार से लेकर सजावट तक के टोटल सामान, सारे सामान है। ये 60 रुपये का सेल है, कुत्ता बहुत मस्त मस्त है ना। ये फ्रेंड्स एक चैलेंज बनाया गया है, यहाँ पे ग्लास रखा गया है, और ये भैया के हाथ में फुटबॉल है, और जो इस फुटबॉल से एक बार में एक पूरे ग्लास गिरा देगा उनको भैया इनाम देंगे। काफी सारा इनाम है, जीतने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स हम लोग आपकी आमदनी कम है, चिंता न करें, आमदनी बढ़ेगी। नमस्कार। ये ले लेगा, बहुत मस्त लगता है, देखो ना ये। इसका क्या राइट रेट है भैया, इसका रेट? इसका रेट 225 है। ये फ्रेंड्स निशाना वाला है, फोटो दिए रहे, बड़ा शॉपिंग कितना कह रहे छोटू।
छह गोली 20 रुपया का, 20 रुपया में 6 गोली बिना इनाम, सेल्फी लेने के लिए 10 रुपया काउंटर पर जमा कर पाले। ये भी फंक्शन मनाया गया है। ये फ्रेंड्स पूरा टेडी बियर का शॉप है, ले लो, सही तो है, 100 रुपया का है, ये वो डाल देगा, या तो नहीं छूटेगा। रिंग की दुकान है, ये लो रिंग है, ये नाम वाला, ये देखिए ये रहा, मेरा नाम लिखवा ले, नाम लिखे ला बैठ ले, नाम वाला से लिखा है, हां नाम वाला से लिखा है, और कैसे लगेगा का, अरे नहीं थैंक यू, ये देखिए इंसान से लिखे, ये रिंग पे आप लोग नाम लिखवा सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना, पूरा निकलेस हुआ, हम निकलेस लेंगे फिर यहाँ से, पेंसिल लेने का बहुत सारा लेंगे, 10 रुपये में 4 पेंसिल लेगा यार, छोटी के लिए कैसा पेंसिल मिटावे वाला, पूरा बर्तन है, कप सामान है, कप ग्लास वगैरह है, सब भी मत लग रहा है, सब मंगल सूत्र है। फ्रेंड्स काफी अच्छा अच्छा चीज है, चांद के चेहरे पर नकाब नहीं है, और हमारे इस 60 रुपया वाला सेल का जवाब बाजार में 100-125 रुपया में बिक जाना सामान है। हमारे फ्रेंड्स एक ये वाला सुई हम लोग ले लेते हैं, 60 रुपया में टोटल इसमें सुई है, बहुत तरह की सुई है, ले लेते हैं इसको, एक ले लेते हैं पूरा इनका दिखा के पैसा दिए हो, हम ले रहे हैं, ये डोरेमोन है, देखिए डोरेमोन में लाइट जल रहा है, देखने में काफी खूबसूरत ये भी लग रहा है। एक फ्रेंड्स लाइटर ले लेते हैं, वायर सब छीलने में काम आता है, ओ भाई लाइटर ले लेते हैं, वायर छीलने में काम आता है, अरे पेन, अच्छा पेन, कौन से ले रहे ठीक है ना, ले लीजिए नया डिजाइन का, ये है ये फ्रेंड माउस है देखिए, और इसमें बाजा लगा हुआ है, ले लिया पैसा, दे दिया ले ला, हम आगे से आधे को दो, हम आगे से आधे ठीक हो गया, हम आउट लिए हैं, यहाँ पूजा का बर्तन के 60 रुपया में मिल रहा है, अच्छा लाइटिंग है, काफी सारे सामान है, ये पेंसिल वगैरह 10 के 4 मैं छुड़ा दे रहा ना, एक फ्रेंड्स ये भी ले लेते हैं, नहाने के वक्त काम आएगा, हमारे पहले पैर देखिए,
ध्यान मत ले लिए हैं और पैसा दे रहे हैं अंकल को। हम देख रहे हैं ये अंकल देखे कितने सारे खिलौने हैं सारे घर के यूज के लिए मात्र 10 रुपया। तो अब निकलते हैं इस मार्केट से, चलते हैं उस साइड वाले मार्केट में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या पसंद पड़ता है। होलसेल मार्केट है, कोई लेना था क्या चीज? कैसे कछुआ? ये कैसे है भैया? 125। तांबा वाला परचेज करते हैं सिस्टर के लिए, काफी सुंदर लग रहा है देखने में, तो देखते हैं कौन वाला पसंद पड़ता है। फ्रेंड्स टैडी वगैरह दिख रहा है, कार में टांगने वाला है सब अवेलेबल है। स्टॉल पे हम लोग आ चुके हैं, ला कौन लेवे के बाद जमुना लेवे के बाद ला पसंद करा ला फाइनली ब्रांड हम लोग आ गए चलो। यहां फ्रेंड्स देखिए एप्पल का चाइनीज वॉच भी बिक रहा है, एप्पल का चाइनीज वॉच। ये देखिए ये टोटल एप्पल का वॉच है। फ्रेंड्स हम लोग बेल्ट देखते हैं इधर, ऑफ है यहाँ पे बहुत सारे माले दिख रहे हैं। पीछे में देखिए सारा रिंग है, रिंग ब्रेसलेट वगैरह सारा चीज यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग भी कुछ परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ नहीं परचेज किए हैं, रेट बहुत हाई बता रहे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स प्लास्टिक का फूल है तो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। 20 रुपया जिलो भी फूल है, तो ये फूल 50 रुपया सेल, 20 रुपया खिलौना फूल, 50 रुपया ये सब, 50 रुपया
इसका रेट 50 रुपया है। काफी अच्छा अच्छा रिंग निकला है। काफी खूबसूरत खूबसूरत रिंग है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ माला है ये फ्रेंड्स, यहाँ बहुत तरह के माला बिक रहा है, तो यहाँ से कुछ रुद्राक्ष वाला माला लेते हैं हम लोग। देखते हैं कौन वाला माला अच्छा लगता है। इधर फ्रेंड्स झूमर वगैरह है, ये गेट के झूमर है सब। ये सब टोटल गेट्स के झूमर है। ये फ्रेंड्स देखिए फूल है, काफी सुंदर सुंदर फूल है, अच्छा लग रहा है देखने। काफी सुंदर सुंदर फूल है फ्रेंड, देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ट्रे है, ट्रे कप है। का लेवे के बा? रोटी रखे ला पूछे। रोटी रखे वाला कैसे बा भैया? रोटी रखे वाला 750। हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। काफी यहाँ पे मेला होने के कारण महंगा सामान दिया जा रहा है, बहुत महंगा रेट है, बहुत हाई रेट है। हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है अधिक माल 20 रुपया, बट लिखा हुआ माल वापस नहीं होगा। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ता जा रहा है। लोगों ने फिर घर से सोच कर आया था कि रात होने के बाद मेला खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो जैसे जैसे गहरी रात होती जा रही है, मेला वैसे ही बढ़ते जा रहा है। टोटल वुलेन सेट है इधर, टोटल फ्रेंड्स वुलेन मेला लगा हुआ है। टोटल स्वेटर वगैरह का मेला लगा हुआ है, स्वेटर है, जैकेट है, लेडीज शॉल है, सबका इधर मार्केट है। बॉम्बे का मीना बाजार, तो चलिए इसमें भी घूम लेते हैं। बॉम्बे का मीना बाजार देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक ये वाला कंघी ले लेते हैं। इधर आगे बढ़ रहे हैं, इधर खिलौना वगैरह टोटल बिक रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स नेकलेस बिक रहा है। इनके हार ला हो, हार इनके खाली हुआ। इधर टोटल नेकलेस बिक रहा है फ्रेंड्स। हम घुसा दे, काफी अच्छे अच्छे डिजाइन का नेकलेस सेट है, माला वगैरह है, मंगलसूत्र है। इधर टोटल चूड़ी मार्केट है फ्रेंड्स। ना भैया ऑफर ना ले, यहाँ पे फ्रेंड्स मिक्सचर नमकीन वगैरह बिक रहा है देखिए। यहाँ पे फिर गन शूटिंग वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ अचार सब है, मंगल
जब फ्रेंड्स मार्केट क्लोज होने लगा है धीरे धीरे, अरे रुद्राक्ष लोग है ना सुनील क्या है लोग है सब रुद्राक्ष मोटा वाला बाबा बने लाए गारे बन जो छोटा रे सब 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 छोटा नहीं इससे भी छोटा था एक दीदी लिए इससे भी छोटा था। यहाँ से फ्रेंड्स एक हम लोग शिवलिंग लेते हैं छोटा सा, देखते हैं कौन वाला पसंद पड़ता है, क्योंकि घर का शिवलिंग टूट चुका है, चूहा पटक दिया था शंकर जी को, तो देखते हैं कौन पसंद पड़ता है शिवलिंग यहाँ से हम लोग को। कैसे है पहले रेट पूछो ना, इसका रेट क्या है भैया? फ्रेंड्स रेट काफी हाई है इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इधर फ्रेंड्स फिर से उलेन मेला स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए ये खाते हैं। लो पॉपकॉर्न, ये कपड़ा बिनने वाला मशीन है, यहाँ पे अंकल जी कपड़ा बिन रहे हैं, शायद टॉवल बिन रहे हैं, स्वेटर बिन रहे हैं, देखिए उलेन का डॉल है, काफी सुंदर सुंदर डॉल है, देखिए खूबसूरत लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स इधर तलवार वगैरह सारा चीज है, तलवार ले लिए रे, ये क्या है ये देखा 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 ना, कुत्ता बांधने वाला लगता है, कुत्ता बांधने वाला रबर लेके ये खोलो खोलो, इधर आइए ना सामने, इधर फ्रेंड बहुत तरह के तलवार हैं। लो रिंच है, खुरपा है, हथौड़ी है, जो लेना है भैया सीधा हो आओ। चाचा हमरो ढूके दो चाचा, ए भैया हट जाओ, कौन भैया तलवार मांगना, अरे हथौड़ी, ए भैया पूछे तो भैया, उधर ले रहे हैं दू वो ले रहे हैं उधर, चाचा से चाची का ये फ्रेंड सब रिंच है, हम तो रिंच नहीं है। ये फ्रेंड्स सारा औजार है, सारा इलेक्ट्रॉनिक औजार है, और उधर तलवार वगैरह है, भाला वगैरह भी है इसमें सब, हथौड़ी सब सब है इसमें, रिंच वगैरह सब है। ये पसंद कर रहे हैं तलवार को अभी, भैया तलवार दिखा रहे हैं। वहाँ था हम फंसावे वाला मांगिए ना गुल का, देखिए संख कितना है भाई, कुछ संख कैसे भैया, 250 और 280 नहीं, झूठा मत करो, झूठा मत करना ऐसे ना। हम लोग रुके हैं, चौमिन वगैरह खा लेते हैं, रात काफी हो गया तो थोड़ा नाश्ता भी कर लेना जरूरी है, तो नाश्ता कर लेते हैं। चौमिन भैया बोल रहे हैं 30 का फुल प्लेट, तो चौमिन खा लेते हैं। फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं फिर मेला में, और फिर मेला में घूम रहे हैं, देख रहे हैं अभी रात के 9 बज चुके हैं, चश्मा चमक रहे हैं।
मेरा गॉगल्स ये ले लिया है, खिलाओ अभी पहनेंगे थोड़ा देर, जब हम ले लेंगे तो तुम ले लेना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो बैग होगा तो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ रहे हैं फिलहाल मार्केट में आगे की ओर। अच्छा लग रहा है, ले ले डन। फ्रेंड्स ये हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, बढ़ रहे हैं फिलहाल मंदिर की ओर आगे, काफी सजावट भी है। ये सामने मंदिर का गुंबद आप लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। फाइनली ये मंदिर बंद हो चुका है फ्रेंड्स। मंदिर तो रात होने की वजह से बंद हो चुका है, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए, आराध्य भगवान की नमन कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ रहे हैं मंदिर से मेला की ओर। मंदिर तो बंद था तो हम लोग भगवान का दर्शन बाहर से ही कर लिए, बढ़ रहे हैं आगे। अभी दुकान फ्रेंड्स देखिए, इधर फ्रेंड साइड में पापड़ी शॉप है, सारा चीज का पापड़ी बिक रहा है, सुन पापड़ी है, इधर पकौड़ी वो कह रही। ये होटल है खाने पीने के लिए, टूरिस्ट राजधानी होटल एवं चार्ट हाउस तू महाकाल वाला बैंडवा कैसे किया? तो फ्रेंड्स माला तो नहीं लिए, आगे बढ़ रहे हैं झूला की ओर। मार्केट में अभी भी काफी भीड़ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आज रात भर एंजॉय करने वाले हैं, आप लोग वीडियो में ब्लॉग में बने रहिए। तो देखा जाएगा रात में, बोल दो। ये देखिए इधर वॉलीबॉल दिख रहा है, लोग ये वो नहीं लेना, स्कूल जाइए घर, अब छोटा हो जाता है। ये सामने में भी काफी आपको झूला दिख रहा होगा, सामने वाला में झूलेंगे बाबू, बिना पीने वाला भी मिलते डेंजर रहेगा। ये भारतीय डिज्नीलैंड मेला, हम लोग इन कर चुके हैं इस झूला के अंदर। और फ्रेंड्स देखने में ये काफी सुंदर लग रहा है, काफी अच्छा सुहाना लग रहा है। तो फिलहाल हम लोग इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं, फाइनली हम लोग झूला पे चढ़ रहे हैं। ये फ्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग पीछे से चढ़ रहे हैं। और ऊपर से आप लोगों को पूरा मेला का व्यू दिखाएंगे।
अभी हम लोग वेट कर लेते हैं और फ्रेंड्स अभी ऊपर झूला पड़ी है तो उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे हैं, देखिए हम लोग कब आता है। फिलहाल हम लोग तो लास्ट में चढ़े और पहले उतर गए, मजा आ गया था, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्ट हुआ, बहुत इंजॉय हुआ। तो फ्रेंड्स फिलहाल सभी फ्रेंड्स आ चुके हैं, सारा फूल वगैरह का सामान दिख रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी एकदम गोल्डन लाइट मार के चमक रही है। बहुत पतला है, टूट जाएगा। अरे बहुत फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग जलेबी खाएंगे। कैसे केजी है? फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग जलेबी लेंगे, 100 रुपये केजी है, तो आधा केजी में हम लोग सब खा लेंगे, 50 रुपये के होंगे। तो चलिए यहाँ पे जलेबी छना रहा है हम लोग के लिए, पर्सनल हम लोग के लिए जलेबी छना रहा है फ्रेंड। ये भैया रोटी बना रहे हैं, देखिए मस्त हलवा भैया, मस्त हलवा है। और हम लोग खा रहे हैं जलेबी। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 12 और ठंड तो काफी लग रही है। इसको देखिए ठंड से कैसे हाथ उठाए हुए बगली में, हमको भी काफी ठंड लग रहा है फ्रेंड्स। क्या कर सकते हैं, इनर लाए हैं, पहन लेंगे अभी, और रात होने दीजिए, ठंडा और लगेगा तो पहन लेंगे, अभी कोई खास ठंड लग नहीं रहा है। फ्रेंड्स फिलहाल बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं रात में कहीं ठहरने का जगह। वैसे थिएटर तो है बट थिएटर में चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो थिएटर में जाएंगे नहीं। कब 1200 ले रहा है? चलिए देखते हैं किधर तक आ जाए, रात में स्पेस तो देख रहे हैं। फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग को मेला घूमते घूमते रात के 2 बज चुके हैं, तो अभी से तो कुछ है नहीं। वैसे आज कुत्ता मार्केट वगैरह हम लोग नहीं घूम पाए क्योंकि सब रात होने के कारण हम लोग आए थे उसी समय से बंद हो चुका था, तो फिर कभी देखेंगे मेला के लास्ट तक आ ही जाएंगे घूमते घूमते। फिलहाल अभी निकल रहे हैं हम लोग घर, ऑटो में सब लोग बैठ गए हैं, ऑटो में हम लोग सब बैठ रहे हैं, निकलते हैं। 2 बज रहा है, 2:30-3 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। फिलहाल सब ऑटो में बैठ चुके हैं इधर, हम लोग भी अब निकलते हैं घर। ये देखिए पूरा खाली खाली सा हो भी गया है, पूरा का पूरा मार्केट खाली हो गया है, देखिए कोई भी नहीं है, बहुत कम आदमी है, सारे लोग निकल चुके हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है फ्रेंड। 1-2 बजे कौन मेला में घूमता है, सारे लोग को घर जाना होता है ठंडा के कारण, ठंडा बहुत ज़्यादा भी है। चलिए निकलते हैं हम लोग भी अब यहाँ से, फ्रेंड्स भरने में टाइम लग रहा था तो वो भैया काफ़ी देर कर रहे थे, जाहिर सी बात है उनका भी तेल जलेगा तो वो बिना पैसेंजर फुल किए तो जाएंगे नहीं। हम लोग फिलहाल ये छोटा वाला ऑटो है, इसी में सब लोग बैठ रहे हैं, एडजस्ट होके पहुंच जाएंगे। चलिए निकलते हैं।
सब लोग इन कर चुके हैं जेपी से ऊपर। हम लोग ऑटो से निकल कर और चल रहे हैं घर की ओर। रात में देखिए काफी रोड सन्नाटा हो गया है। अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम लोग निकल चुके हैं पटना की सड़कों पर, क्योंकि फ्रेंड्स उधर से तो ऑटो से आ गए, इधर ऑटो भी नहीं मिल रहा तो हम लोग को तो पैदल ही घर जाना होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं रातों में, अब कोई उपाय तो है नहीं, अपना 11 नंबर का गाड़ी जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स अभी पोलसन रोड में आ गए हैं और धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं और अभी बज चुके हैं रात के 3 बज गए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ भैया भी हैं, सब लोग साथ में हैं और 2 लोग पीछे हैं देखो। तो फ्रेंड्स काफ़ी ठंड लग रहा है, चल रहे हैं रास्ता में, देखते हैं कब पहुंचते हैं घर। फिलहाल तो बढ़ ही रहे हैं आगे की ओर, मंजिल दूर है बट जाना जरूर है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं आराम करने सोने और इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। गुड नाइट।